वो मंगन बाजार जो है बड़ा वाला बाजार यही है। और ये घर जो है 1971 में बनाया गया घर है। और यहाँ पर देख सकते हो इतने ऊपर लोग बैठते हैं, देख सकते हो यहाँ से अभी ऊपर जो है कोई पहाड़ी नहीं, यानी कि ये जो पहाड़ की है ना सबसे ऊंचाई पे बैठ रहे लोग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों को आज का इस मंगन वाले एपिसोड में। सो आज भी सुबह का 7 बजने वाला है और 7 बजे का गड्डी है हमारा। सो अभी मैं यहाँ से सीधे निकलता हूँ, यहाँ से सीधा 10 मील की ओर, और वहाँ से बोल रहा था कि मंगन तक गड्डी मिल जाएगा। और अभी भी मैं कल जो 15 अगस्त वाला जो व्लॉग था मैं अभी वो अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि कल जैसा ही 15 अगस्त ख़त्म हुआ ना और उसके साथ साथ लाइट भी ख़त्म हो गए और मेरा पावर बैंक में उतना ज़्यादा चार्ज नहीं, और फ़ोन में भी मेरा बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है, वो तो आप लोगों को पता होगा। सो अभी 30% है, शायद से मैं यहाँ से मंगन तक भी पहुँच पाऊँ ना पाऊँ। सो अभी मुझे वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे थोड़ा बहुत व्लॉग करना है और थोड़ा मुझे चार्ज भी चाहिए होता है। अगर मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूँ ना तो चार्ज जो है ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। जहाँ चार्ज अच्छा मिलेगा, जहाँ चार्ज होगा, शायद से मंगन जाके भी अपलोड करूँ। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऐसा टाइम अभी काफ़ी देर हो चुका है, अभी 7 बजने वाला है, 5 मिनट है। सो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकल जाते सीधा 10 मील से मंगन। और मैंने दोस्त को बोल रखा है और यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा मंगन तक, और मंगन के बाद वो शायद से लेने आएगा या ऐसा ही गड्डी भेज देगा वो। सो वहाँ से चलते हैं। आज तक मैं कभी भी गया हुआ नहीं हूँ मंगन में, अपने रिलेटिव भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे लेकिन अभी तो नहीं पहचानते होंगे। सो मैंने छोटे से काफ़ी ज़्यादा सुना है नॉर्थ सिक्किम मंगन मंगन मंगन, लेकिन आज तक कभी भी गया हुआ नहीं हूँ। सो आज चलते हैं और देखते हैं किस तरह का कैसा है। सो अभी गाँव से सिर्फ मैं ही अकेले जा रहा हूँ, ऊपर जाके दोस्त मिलेंगे शायद से। सो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। तो खाते हैं अभी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है वाई वाई हमारा और एक साथ में। सो खाते और निकलते हैं। निकल चुके हैं हम लोग घर से, और हर बारी की तरह मैं जूते हाथ में लेके चल रहा हूँ, और चप्पल देख सकते हो वही रेगुलर वाला चप्पल है। और आगे पे एक दोस्त भी जा रहा है और पीछे पे भैया जी आ रहे हैं। सो भाई का भी आज एग्ज़ाम है ना, तो इसलिए भाई भी गैंगटॉक जा रहे हैं, ये दोनों गैंगटॉक जा रहे हैं, मैं ही सिर्फ यहाँ से मंगन जा रहा हूँ। अफ्ठेरो वाला गाना है रे बाबा। सो अभी ये जा रहा है, और ये देखो जाते हुए क्या करके जा रहा है, एक घर से दही मोई और दूध भी होगा शायद से, और घी और छुरपी भी होगा, छुरपी हो। और यहाँ पर देख सकते हो उन्हीं का सब्जी है, वो एक ठो दोस्त आगे लेके चल रहे हैं रोहित। सो कल हुआ था यहाँ पर 15 अगस्त, कल एकदम ज़ोर दोर हुआ था, लेकिन आज देख सकते हो आज तो इन सबको साफ करने में लग जाएगा। अः गाइस, मैं पहुंच चुका हूं 10 मील। यहां पर देख सकते हैं अभी दुकान कुछ भी खुला हुआ नहीं है। सो अभी यहां वेट करते हैं मंगन की गड्डी मिलती है या नहीं। सो वो मिल जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी होगा तो जल्दी जाएंगे। दोस्तों अभी यहां बैठे बैठे काफ़ी टाइम भी हो चुका है, और अभी 9 बजने वाला है। सो अभी बोल रहे थे कि अभी गड्डी आने का समय हो रहा है अभी, सो देखते हैं अभी कब तक आती है गड्डी। तो फाइनली गाड़ी मिल चुका है, सवारी ला चुके देखो दोस्तों थोड़ी दूर तक हम लोग चल आए थे, और यहाँ पर खतरनाक वाला जाम मिल चुका है, क्या हुआ है वो तो पता नहीं, जो कि देख सकते हो। अच्छा ये ट्रक के वजह से है वैसे। चलिए यहाँ पर देख सकते हो रास्ता कुछ इस तरह का है, अभी ये जो है ट्रक को धक्का दे रहे हैं, तो चलिए अभी थोड़ा मैं भी हेल्प करता हूँ। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डिक्चू, और ये है डिक्चू बाज़ार। सो डिक्चू डैम है यहाँ नीचे को, लेकिन अभी यहाँ नहीं रुकेगा शायद से गड्डी। सो डायरेक्ट है ये गड्डी अभी, और ये पहाड़ चेक करेगा इस खूबसूरत। और दोस्तों हम लोग है अभी डिक्चू डैम के ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, और दूसरा बार डैम जो है यहाँ आगे को है, और अभी पानी देख सकते हैं, पानी आई थिंक मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैल आ रहा है पानी। सो देख सकते हो डिक्चू डैम पर पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ से जाते हैं सांतुक, और यहाँ आगे पे शायद से यहाँ आगे पे चेक पोस्ट होगा। तो और यहाँ पर देख सकते हो ये वो पुराना ब्रिज यहाँ पर है, अरे कितना पतला ब्रिज है बाबा। फिर से हम लोग जाम में आ चुका है, शायद से वहाँ आगे पे देख सकते हो काम चल रहा है, तो इसलिए अभी जाम लगा रखा है।
फाइनली पहुंच चुका हूँ मंगान बाजार। बाजार तो वैसे ये नहीं होगा, मुझे ही पता नहीं आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना। सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली। टाइम देखते कितने बज चुका है। सो अभी 11 बजने में 20 मिनट है अभी, और अभी दोस्त को कॉल करता हूँ मैं। सो अभी तक तो नहीं आया होगा दोस्त लोग तो। सो दोस्त नहीं, दोस्त का भाई आएगा और भाई की गाड़ी में जाएंगे। और आज ना सावरी के पीछे बैठते बैठते ना हालात ख़राब हो गए, और उसके ऊपर से मैंने वाइट वाला टी शर्ट पहन रखा था, तो इसीलिए हालात ख़राब, शर्ट का भी मेरा भी हालात ख़राब। तो अभी देखते हैं कि कहाँ क्या है, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। ए मंगन गए हो? ये तो मुझे मतलब यहाँ तक थी बस्ती नहीं, मैं खास यहाँ साथी को आ रही है। मंगन को खास बाजार यही हो? ए माथि खास बजार चाहिँ कुन चाहिँ हो? माथि हो। ए म त मतलब ब्याक साइडमा हिँड्दैछु म अहिले। त्यही भएर साथीलाई कल गरेँ कि। हुन्छ। सो दोस्त अभी मैं यहाँ चल रहा था और हमारा यहाँ एक सब्सक्राइबर मिल गया था, थोड़ा बहुत जो है उनसे भी मैंने पूछ लिया। खास मार्केट यहाँ नहीं है, खास मार्केट जो है ऊपर साइड पर है। सो अभी चलते हैं वहाँ। और आज ना इतना तेज़ धूप लग रखा है ना साला, हाथ पूरी तरीके से जल चुका है ये वाला साइड। सो यहाँ पर है पुलिस चेक पोस्ट। सो ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ, यहीं बैठता हूँ शायद से, ऊपर धूप काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सो फाइनली मैं मंगान तो पहुँच चुका था, और अभी तक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ नहीं है जो कल 15 अगस्त वाला। सो वीडियो भी अपलोड करते हैं, वैसे भी फ़ोन में उतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ रुक के चार्ज भी कर लेंगे फ़ोन में। सो वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं। सो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर जो क्या बोलते हैं मंगान के जो शायद से मार्केट होगा, मार्केट के आगे वाली साइड में। और यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा है, और दोस्त ने अभी तक भी कॉल रिसीव किया हुआ नहीं है, पूरी तरह से हाथ जल चुका है भाई साहब। और सुबह से ना उतना ज़्यादा कुछ खाया हुआ नहीं है। सो यहाँ कुछ खा पीते हैं, और खा पीना भी थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, कहीं दवाई पानी ना हो, थोड़ा देख के तो थोड़ा संभल के खाएंगे। और यहाँ हाथ जल चुका है भाई साहब धूप से। तो दोस्तों अभी मैंने कहीं कहीं यहाँ पर दोस्त लोग चल रहे थे, तो उन लोगों को पूछा। सो मंगान बाज़ार जो है बड़ा वाला बाज़ार यही है, जो कि देख सकते हो पीछे वाले सीन ऐसा है। और मैं यहाँ पर वो जगह देख के आया था, लेकिन यहाँ से आगे तो कुछ है नहीं वैसे भी। सो फिलहाल चलते चाय पीते हैं, और वीडियो भी अपलोड करना है। सो वीडियो भी अपलोड करते हैं। सो गाइस मैं तो आ चुका हूँ नीचे वाले साइड में, ऊपर जो है काफ़ी गर्मी था इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी शीतल है जो बिल्डिंग की वजह से। सो यहाँ पर एक ठो ढाबा ढूंढे चाय पीने के लिए। सो चाय पीते और वीडियो भी अपलोड करते हैं। और अभी तो मैंने दोस्त को कॉल किया था, वो दोस्त कॉल रिसीव नहीं कर रहा, शायद से कहाँ होगा, शायद फ़ोन चार्ज में लगा पड़ा होगा। और हमारे गांव में तो वैसे भी लाइट नहीं था, सो इसीलिए मेरे फ़ोन में भी चार्ज बहुत बहुत कम है, 20% से भी नीचे गिर चुका है। सो अभी मुझे जल्दी से जल्दी मुझे खुद भी चार्ज करवा लेना है, और फ़ोन को भी चार्ज करवा देना है। तो चलिए अभी एक ढाबा ढूंढते और फिलहाल चाय पीते हैं। तो ढूंढते ढूंढते चाय दुकान में मिल चुका है, और मैंने चाय भी ऑर्डर कर दिया, फिलहाल चाय पीऊँगा यहाँ बैठ के। काफ़ी शीतल जगह है, और यहाँ पर देख सकते हो ग्रीनरी भी है। और फिलहाल चाय पीते हैं और फ़ोन को भी चार्ज में लगा देते हैं। सुबह यहाँ के बल्ले बल्ले हो चुका है, 11:30 के अंदर वीडियो भी अपलोड हो चुका था, और मैं चाय भी पी लिया हूँ, जूस पी रहा हूँ अभी। उससे फ़ोन में भी थोड़ा बहुत चार्ज हो गए हैं। और दूसरा बात, अभी भैया भी आप पहुँच चुके हैं, सो चलते अभी कॉल किया था। सो गाइस फाइनली गड्डी मिल चुका है, गड्डी जो है यही है बोलेरो। सो अभी भाई लोग आए थे, और थोड़ा बहुत जो है शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं, तो थोड़ी देर के बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और टाइम देखो अभी 12 बज चुका है, देख सकते हो गड़ी के अंदर पानी घुस चुका है, गड़ी उतना ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है इसीलिए, लेकिन टाइम तो बता रहे हैं अभी 12 बज चुका है। सो भाई लोग अभी शॉपिंग करने के लिए गए, तो थोड़ी देर में आने वाले हैं। सो यहाँ से निकलते हैं, मैं गड्डी के अंदर आ चुका हूँ, और अभी हम लोग निकल चुके हैं। सो अभी 12:10 हो रहा है टाइम, अभी हम लोग जा रहे थे, और अभी यहाँ थोड़ा सामान खरीदे भाई लोग। सो यहाँ से एक बार नज़ारा देख सकते हो, जो कि कुछ इस तरह का है। आज मौसम काफ़ी सही हो रखा है, जो कि बारिश यहाँ तो ऐसा ही धूप लगा रखा है, और यहाँ पर देख सकते थोड़ा बारिश वाला है, लेकिन देख सकते ये छोटे छोटे पहाड़ जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं ना। सो अभी तक तो हम चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक होगा, यहाँ से काफ़ी दूर है या नज़दीक है वो तो मुझे पता नहीं, अभी जाते वक्त पता चलेगा। सो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई के घर, भाई के मतलब दोस्त के घर, और अभी यहाँ से सामान लेके जाना है मुझे भी। सो थोड़ा हेल्प कर दे, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी यहाँ। सो शायद से दोस्त का घर होगा यही ऊपर वाला, तो चलते अभी सामान लेके चलते और उससे भी मिलते। सो फाइनली मैं दोस्त के घर पर आ चुका हूँ, और आते ही मैंने सबसे फर्स्ट फ़ोन को चार्ज लगाया था, और थोड़ा बहुत अभी चार्ज भी हो गया, और मैंने ऐसा खाना वाना भी खा लिया,
और आज ना सवारी के पीछे बैठते बैठते धूल खाते हुए आया था, तो पूरा बॉडी में भी ना मिट्टी मिट्टी हो रहा था, तो इसीलिए आते मैंने नहा लिया और मैंने कपड़े भी धोके सुखा दिया यहाँ पर। सो थोड़ी देर में आप लोगों को मैं सलमान से भी मिलाऊंगा। सो चलिए दोस्त का घर जो है यहीं पर है और कल डाइनिंग जो लोग बैठने के लिए जगह यहाँ नीचे भी बनाया गया है। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर के राइट साइड पे। सो यहाँ अभी देख सकते हो कुछ इस तरह का एक मंदिर भी बनाया गया है। और मैंने एक बात तो बताना भूल गया आप लोगों को, मैं यहाँ किस काम से आया था। सो आप लोगों को पता होगा थोड़ी दिन पहले मणिपुर में एक लैंडस्लाइड की वजह से आर्मी लोग शहीद हुए थे। सो एक आर्मी जो था, जो साकनोन है ना पीछे, उस जो रूममेट मेरा उनका भाई था, सगी भाई है। सो हाँ, उनका भी 49 काम था, इसलिए मैं भी आ गए। सो यहाँ पर देख सकते हो एक मंदिर भी बनवाया गया है और मंदिर का पूजा भी कर ली होगा, तो इसका जो कवर है वो भी कल ही निकलेगा। बड़ी बात तो यही है एक आदमी के लिए इतना बड़ा मंदिर बनवाना। सो अभी ये एक आदमी के लिए नहीं, यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए है। सो इनका घर जो है आगे पे है इनका घर, और रोड देख सकते हो कुछ इस तरह का है। रोड सीधा आके यहाँ से पूरा का पूरा एक राउंड है और उसके बाद से सीधा रोड आएगा यहाँ तक, जो कि देख सकते हो। नेट भी लगभग ठीक ही है, जियो अच्छी चलता है यहाँ पर। सो कल वीडियो अपलोड करने में उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मिलिए साकनोन से भी, कैसे हो बता दिए लोगों को? बढ़िया, एकदम बढ़िया। काम हुआ? काम तो खतरनाक हुआ उधर मुड़, तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी दूध से जल चुका है यहाँ पर, देख सकते हो। अभी तो ये इसका काम जो है अभी नहीं होगा, रात को होगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही फील होगा तुम्हें, अभी भी फील हो रहा होगा। आग निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये दिन भर काम करते करते ना ये भूल गए कि जो लंबा वाला कपड़े पहनने के लिए। सो ये जो है हाफ टी शर्ट में काम किया, तो इनका पूरी तरीके से आधा बॉडी जल चुका है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इनका भाई का बाइक देखने के लिए, जो कि पहले से ये कह रहा था हमारे भाई की भी एक बाइक है, लेकिन ये मांग रहे हैं सो नहीं दे रहे भाई। वो बाइक जो है यहीं पर है, जो कि देख सकते हैं पीछे का टायर जम गया। हाँ, पीछे का टायर भी जम चुका है। काश अपने पास भी एक होता, समझने को। हाँ, मागुर वाला। और ये गड्डी जो किसका है, तुम्हारा है ना? हाँ, ये पुराना गड्डी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, इन लोगों का ही है, अमीर आदमी। हाँ, ये एम एल ए गाड़ी है, यहाँ पर देख सकते हो कल के लिए रेडी है, जो कि लोग आके बैठने के लिए। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ ऊपर को सामान लेने के लिए सानन और में, और इनका जो पीठ देख सकते हो पूरी तरीके से जल चुका है ऐसा ही। और यहाँ से एक बार दिखा दूँ, पहाड़ सब ऊपर ऊपर है और यहाँ थोड़ा बारिश आ रहा होगा शायद से, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड गया होगा शायद से। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये जगह ना, ये लैंडस्लाइड गई हुई जगह हमारे गांव से भी दिखता है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, लेकिन शायद से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये वाली जगह हमारे गांव से कुछ इस तरह के साइड में दिखता है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और दूसरा बात ना, यहाँ पर जंगली सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो भी यहाँ पर देख सकते हो ये वाली सब्ज़ी जो है, यहाँ पर वहाँ पर भी देख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि हमने कुछ खेती पे अपने साग सब्जियाँ लगा रखा हो, ऐसा ही जो है, ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही है, काफ़ी सारा, काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से लेके वो नीचे तक काफ़ी ज़्यादा है। और सांगनाम का घर अभी यहाँ नीचे कहीं पड़ता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ ऊपर को इनके चाचा के घर में टेबल लेने के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सांगनाम के चाचा के घर पर। सो मुझे ना यहाँ आके काफ़ी शौक सा हो रहा है, पहले हम लोग देख रहे थे ये पहाड़ जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, अभी देख सकते हैं हम लोग ऐसा ही बराबरी के लाइन पे आ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इतने ऊपर लोग बैठते हैं, देख सकते हो यहाँ से अभी ऊपर जो है कोई पहाड़ ही नहीं, यानी कि ये जो पहाड़ के ना सबसे ऊंचाई पे बैठ रहे लोग, और जो साकनोन लोगों का जो ज़मीन है उन लोगों का ज़मीन यहाँ ऊपर जो पहाड़ दे रहे हैं ना, ये पहाड़ और यहाँ पर भी काफ़ी सारा जगह है इन लोगों का, और ये लोग भी मंडोल यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अमीर है भाई साहब, अमीर आदमी। देखो यहाँ पर ये घर जो है 1971 में बनाया गया घर है, जो कि अभी यहाँ लिखा भी हुआ है। अभी हमें टेबल लेके जाना है, ये वाले टेबल है, एक ठो यहाँ पर और एक ठो यहाँ पर, देख सकते हो भाई साहब ये पहाड़ से ऊपर कोई पहाड़ ही नहीं, यानी कि सबसे ऊंचाई पहाड़ के ऊपर घर है। और अभी पता चला कि मुझे जो सांगन का घर था सबसे पहले सबसे ऊंचाई पे घर इन्हीं लोगों का था, जो कि अभी ये वाले रास्ता देख रहे हो ना आप लोग, इससे ऊपर था है ना, इन लोगों का घर ऊपर था, लेकिन वो अभी जल गए ऐसे बोल रहा था, और उसके बाद इन लोगों ने घर शिफ्ट किए नीचे। और जो सांगन लोगों का चाचा का घर है वो पहला पुराना घर यही है, 1971 में बनाया गया घर, और बाद में आकर के ये सब बनाया है।
और यहाँ से ऊपर कोई घर भी नहीं। और मुझे एक बात यहाँ काफ़ी ठीक भी लगा, और यहाँ जो है हम लोग तो ऐसे ही मार्केट में रहने का आदत हो चुका है, सो हम लोग यहाँ रहते वक्त ना तो काफ़ी ज़्यादा बोर होगा हम लोगों को तो, लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों तो शायद से अभी आदत पड़ गए। बात तो ये अच्छा है कि इतनी दूर आके भी लोग घर बना रहे, और यहाँ पर देख सकते हो एक भी मैल नहीं है, देख सकते हो छोटा सा लेकिन काफ़ी ज़्यादा साफ़ रखा हुआ है देख सकते हो, और यहाँ पर सभी कुछ अर्किड लगाया गया है। तो हमारे गांव में क्या है, घर भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है, और उतना ही ज़्यादा मैल भी है, और यहाँ पर देख सकते हो लोग बहुत ही कम, और रास्ता देख सकते हो कितना साफ़ है, एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है यहाँ पर देख सकते हो इतना साफ़। सो फाइनली हम लोग ट्रेवल लेके आ पहुँच चुके हैं, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया कल यहीं पूजा के लिए ट्रेवल, और यहाँ देख सकते हो अभी पसीने से पूरा का पूरा भीग चुका हूँ। यहाँ वैसे लेक है, ये जगह भी लेक है वैसे, यहाँ से ना ऊपर भी पहाड़ नीचे भी पहाड़, और साइड साइड देखो तो सब जगह पहाड़ है, और वैसे ये जगह जो है पहाड़ के बीच में है, इसीलिए वो हवा चलने के लिए जगह नहीं ना, सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जगह तो ये भी वैसे लेक ही है जगह तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। सो अभी पीते हैं ठंडी ठंडी स्प्राइट, काफ़ी गर्मी लग चुका है। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पर डाउनलोड लेने के लिए, और मैंने यहाँ का एक बात जो है ऑब्जर्व किया है, सब लोग ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैसे बहुत अमीर भी नहीं उतना गरीब भी नहीं, ऐसा ही थोड़ा बहुत जो है अमीर ही है, क्योंकि यहाँ का लोग देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कंपनी काम वगैरह होता है, और यहीं नीचे एक नदी भी, बहुत बड़ा नदी भी है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ भी होता होगा, सो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो एक घर के आंगन में दो दो बाइक, वो भी दो बाइक का, और इन लोगों के घर में भी एक ठो दो तीन ठो गाड़ी है और बाइक भी है, वैसे ये लोग भी अमीर आदमी है। मेंढक वहाँ देखो पर देख सकते हो लोगों का घर ऐसा है, और घर के आंगन में थार, महिंद्रा थार खड़ा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो ऐसा ही यहाँ एक ठो ब्रिज बन रहा है, और गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, यहाँ ऊपर से देखने में उतना ज़्यादा डेंजर नहीं दिख रहा, मैं सोचा कि ऊपर से देखने से यहाँ पर ब्रिज क्यों बनवाया जा रहा है, उतना ज़्यादा लंबा तो है नहीं ऐसा समझ रहा था, लेकिन अभी यहाँ आगे पता चला, देख सकते हो इतना ज़्यादा खाई है नीचे, अगर यहाँ से एक बार गिर गए ना तो गेम खलास। टाइम मिलेंगे तो हम नीचे भी जाएंगे, नीचे से ऊपर दिखाएंगे। नीचे जाने का रास्ता है क्या? जाने का रास्ता है, टाइम मिलेंगे तो हम। हाँ, लेकिन मैंने सोची ना थी कि ऊपर से यहाँ सीधा देखने से उतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ आके मैंने अभी देखा इतना गहरा है भाई साहब। यहाँ पर देखो मुंडो लोगों का गाँव के बाइक, जो कि सब माउंटेन बाइक है सारा, इतना अमीर गाँव शायद से अभी होगा तो ये भी लेगा। सो दोस्तों अभी देख सकते हो रात का बज चुका है 11 टाइम हो चुका है, और अभी जाके सब लोग सो चुका है, सो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिट करूँगा, क्योंकि आज ऐसा ही थोड़ा बहुत बिजी था, अभी तक हम लोग काम कर रहे थे तो खाना वाना खा लिया, रात का अभी 11 बज चुका है, और यहाँ पर देख सकते हम दोनों अभी किचन पर सो रहे, तो कहीं लोग सब लोग अपनी अपनी जगह में सो चुके हैं, सो इसलिए मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कल का दिन भी ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, और फिर भी मैं आप लोगों को व्लॉग करते हुए दिखाऊंगा जो भी होगा, सो आप वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में देख लेना, आज का दिन भी ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, सो जो भी हो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिट करूंगा, ऐसा ही 12-1 बजे को वीडियो एडिट हो जाएगा, और फिर मैं भी सो जाऊंगा, और सुबह जल्दी भी जाना है क्योंकि कल मेन काम ही, इसलिए थोड़ा कल तो थोड़ा जल्दी ही जाना है, सो अभी सामान तो सो चुका है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, सो हाँ फिलहाल बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आज का ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना, सो अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलेंगे जल्दी आने वाले।